गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स। दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक पिछले एक साल के अंदर अंदर 640 से चल के 2208 तक का सफ़र तय कर चुका है और अभी भी ये स्टॉक जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए ट्रेंड लाइन, अगर हम ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूअसली अप दिखा रहा है। स्टॉक काफी अच्छे अप ट्रेंड में है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और ये ट्रेंड पर ही सपोर्ट ले रहा है और वापस ऊपर जा रहा है। और ये दो लेवल जो आपने देखे होंगे, मैंने लगा रखे हैं 2107 के और 2148 के। तो आज जो इसने 2062 से 2145 की जर्नी पूरी कर ली है, दैट मीन्स 2107 क्रॉस करते ही 2148 की तरफ जाएगा, तो वो आज ही हो चुका है। अब हम जो इंतज़ार कर रहे हैं, इसका 52 वीक हाई है 2208 का। जब ये 2210 को डिसिसिवली क्रॉस कर लेगा, दैट मीन्स 15 मिनट टिक जाएगा या फिर कंसोलिडेट करके 2210 के ऊपर चला जाएगा, तो ये एक अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेगा। और वो नई जर्नी जो है वो काफ़ी ऊपर तक इस स्टॉक को ले जाएगी। जैसे कि अगर आप देखें, अप्रैल में इसका जो हाई था वो था 1988 का और ये उसका पहला 52 वीक हाई था। जब ये 1988 को इसने यहाँ से पार किया, देखिएगा ये कैंडल है, ये जुलाई में इसने 1988 को पार किया, तो पहला जो हाई दिखाया था वो दिखाया था 2084 का, और अगले हफ्ते में इसने दिखाया था हाई 2156 का, और तीसरे हफ्ते में इसने दिखाया था 2208 का। दैट मीन्स जो पिछला 52 वीक हाई था वो 1988 का था, और उसके बाद तीन हफ्तों में जैसे ही इसने इसको पार किया, क्योंकि ये वीकली कैंडल हम देख रहे हैं, तीन हफ्तों में इसने लगभग लगभग 250 पॉइंट का मूवमेंट दिखा दिया है जुलाई से अगस्त के बीच में। तो अब हम जरा थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, थोड़ा सा प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि 30 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैंने लगाया तो आप अगर देखेंगे ये ट्रेंड लाइन पर टिक रहा है। और एक ये यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन और प्लेस कर देता हूँ, बीस सौ पैंतालीस का जो लेवल है ये, उसके बाद 2107 और उसके बाद 2148, तो ये तीन रेंज में ये स्टॉक घूम रहा था। अपन एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर ये 2148 के ऊपर टिक जाता है तो 2210 तक जाएगा ही जाएगा, और 2210 के ऊपर चला गया तो फिर नया अप ट्रेंड चालू होगा। बस कंडीशन ये है कि 2148 के ऊपर इसको टिकना चाहिए, जो कि होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। ये देखिए 3 अगस्त को भी गया 2156, लेकिन क्लोजिंग हुआ 2142, दैट मीन्स 2148 के नीचे। अगला भी अगर आप देखें, क्लोजिंग हुआ 2131 का। उसके बाद 9 अगस्त को भी यही सीन था, 2180 का क्लोजिंग हुआ, उसके बाद टिका और उसके बाद 2208 तक गया। उसके बाद ये आप देखेंगे तो जब भी 2148 के आसपास जा रहा है तो नीचे जरूर आ रहा है। तो ये 2148 को एक तरह से मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस के तूर में काम कर रहा है, इसीलिए अपन जो इसमें फ्रेश बाइंग दिखेगी वो 2210 के ऊपर ही दिखेगी। लेकिन अगर कोई इसमें पोजीशन लेना चाहे, यहाँ मैं अपना व्यू सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। 2148 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है और 2208 को तोड़ देता है, ये दो चीज़ें हैं, या तो 2148 से 2208 की रेंज में घूमता रहेगा, ये कई बार जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, जैसे 9 अगस्त में और लगभग अगस्त के पूरे महीने में यही चल रहा है। जब तक 2210 को डिसिसिवली ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें फ्रेश बाइंग नहीं आएगी, और 2210 का क्रॉस करने के बाद जो फ्रेश बाइंग आएगी वो इस स्टॉक को कम से कम 200 से 250 पॉइंट ऊपर लेके जाएगी 2 से 3 हफ्ते के अंदर। ये हमारा ओपिनियन है और किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है। हमने जो कल अपना वीडियो शेयर किया था अबाउट श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, तो वो आप देख सकते हैं कि जो एग्जैक्टली 1282 का लेवल इस स्टॉक ने मैच किया है, उस पर भी जाके आप थोड़ा सा देख सकते हैं। हमें फीडबैक दीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए।